नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा प्रमेयीकरण। तो प्रमेयीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। किसी भिन्न के हर में अंडर रूट हटाने की प्रक्रिया को हम प्रमेयीकरण कहते हैं। जैसे कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 1/√5। अगर इसको आपको हल करना है तो हल करो, तो हम क्या करेंगे, 1/√5 का मल्टीप्लाई कर देंगे √5/√5। ठीक, यदि किसी भी हम भिन्न को क्या करते हैं, हर में से अंडर रूट हटाने की प्रक्रिया जो होती है, जो हमारा हर होता है, तो हम हर प्रमेयीकरण करते हैं, यानी √5 का ही अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा √5/5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन के लिए हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दिया है, मान लो आपके पास 2/√7 दिया है, तो इसको हम करेंगे तो √7/√7 हो जाएगा, तो हमारा 2√7/7 यही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम अगला ले रहे हैं, दिया है 1/√5+√2, तो इसका हर प्रमेयीकरण करेंगे तो हमारा 1/√5+√2। ठीक, इनटू चिन्ह चेंज कर देते हैं, जब कभी भी हम यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, √5-√2/√5-√2। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, √1 में हम करेंगे √5 का, तो √5 रहेगा माइनस, और √2 का जब हम 1 में करेंगे तो √2 ही आएगा, अपॉन ये हमारा a+b और a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² - b², तो √5 का वर्ग माइनस के √2 का वर्ग। जब हल करेंगे तो हमारा √5-√2/5-2, बचेगा हमारे पास √5-√2/3, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4, 5/√5-√3। इसको हम हल करेंगे तो 5/√5-√3, तो हर प्रमेयीकरण करने के लिए हम यहाँ माइनस दिया है तो हम प्लस कर देंगे, √5+√3 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा √5+√3। तो जब हम गुणा करेंगे इसका करेंगे तो हमारा आएगा 5√5+ के इसमें करेंगे तो 5√3 आएगा, सॉरी 5√3 आएगा। इसको सब कर दे रहे, 5√3/ में, इसका हमने बताया कि जब कभी भी यहाँ पर इस तरीके का दिया जाए तो हम इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लेते हैं, तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2, इसमें 5 कॉमन मिल रहा है तो अंदर बचेगा √5+√3/2, यही हमारा आंसर है। कुछ और, अगर हम शॉर्ट में इसका, अगर ट्रिक को याद करने के लिए आपको ट्रिक, इसको ध्यान रखना, नोट में डाल देना, सेम टू सेम टू सेम ऊपर भेजो, सेम टू सेम ऊपर भेजो चिन्ह चेंज करके, चिन्ह चेंज करके, अगर आपको प्लस दिया जाए तो माइनस और माइनस दिया जाए तो प्लस। ठीक, नीचे नीचे हम क्या करते हैं, नीचे रूट के अंदर वाले के अंदर वालों का अंतर लेते हैं, का अंतर लेते हैं। ठीक, ये याद कर लेना, इससे क्या आसानी होती है, हमेशा हम इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
इलेवन अपॉन सेवन प्लस के रूट इलेवन, ठीक, इसको ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा, इलेवन अपॉन सेवन प्लस के रूट इलेवन। इसका हर परमेयकरण करेंगे तो हमारा सेवन चिन्ह चेंज करके ऊपर भेज दो, इलेवन माइनस के यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 11 का गुणा हम साथ में करेंगे तो 77 माइनस, जब हम इसमें 11 का गुणा करेंगे तो 11 रूट 11 रूट 11 हो जाएगा, ठीक। इनका अंतर ले लेते हैं तो इनका जब हम वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा माइनस, और 11 का वर्ग करेंगे 121, सॉरी इसका वर्ग हम करेंगे तो 11 ही आएगा क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा है इसलिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 11, माइनस कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर 11 कॉमन लेना है तो ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 7 माइनस के रूट 11, और नीचे हमारा कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, तो यही हमारा आंसर है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 6, ठीक। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 अपॉन रूट 1 प्लस के रूट 2, ये ले रहे हैं, को हल करो, ठीक। इसको कैसे हल करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस के रूट 2, जैसा मैंने बताया चिन्ह चेंज करके इसको ऊपर भेजो तो रूट 1 माइनस के रूट 2 अपॉन रूट 1 माइनस के रूट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम बड़ा अंक लिख ले रहे हैं रूट टू माइनस के वन, ठीक। रूट वन पर अगर हम रूट रूट वन पर अगर हम रूट नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बटे इन दोनों का अंतर ले रहे हैं यानी रूट टू माइनस के वन, इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो करेंगे हमारा रूट टू माइनस के वन अपॉन टू माइनस के वन, तो हमारा आंसर जो आएगा रूट टू माइनस के वन अपॉन वन बराबर।